स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं मैड लिटिल डॉक्टर के पार्ट 6 को। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज रानी का ना बर्थडे होता है, तो जिन इनके लिए क्वीन ऑफ द नाइट गिफ्ट लेकर आई होती है वही वाला प्लांट होता है ये, जो इसके रेड कलर वाले कपड़े वाले भाई ने इसको दिया था और छूने पर फ्लावर निकल जाता है। तो जिंग जो होती है ना वो कहती है कि रानी इसको टच करो और सबको बता दो कि तुम इस राज्य की रानी बनने के लायक हो, इस पोस्ट की हकदार हो तुम। रानी डर गई होती है क्योंकि ये तो गद्दार है, टच किया फ्लावर नहीं निकला तो सब समझ जाएंगे झूठी मक्कार गद्दार है। फिर भी अब टच तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सबके सामने बोला गया है, तो आकर टच करती है और इसमें से फ्लावर नहीं निकलता क्योंकि पीछे खड़ी एक मेड ने इसमें कुछ डाल दिया था। अब सबके होश उड़ जाते हैं कि क्या रानी पद के काबिल नहीं है, ये रानी बनने के लायक है ही नहीं। रानी कहती है कि तुम कर लो टच। रानी के दिमाग में ये होता है कि इसके टच करने से कौन सा फ्लावर निकल जाएगा, देख लेती हूँ ना मैं भी, बोल दूंगी नकली प्लांट है ये। और जिनको टच करते ही फ्लावर निकल जाता है उसके अंदर, और रानी भड़क गई होती है कि मेरी जड़ डुबाने आई है तू यहाँ पे। इतने में लोगों का ब्लड कर्स शुरू हो जाता है, इसको पेन होने लगता है और ये जाने लगते हैं। तो राजा कहता है रुको मुन्ना, ये बताओ तुम जब वार पर गए थे तो तुम्हें वहां पर किसी ने श्राप दे दिया था और इसे खत्म करने के लिए तुम ह्यूमन का ब्लड पीते हो, कहीं वो सीरियल किलर तुम ही तो नहीं हो? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं अगर तुम हुए तो, मेरे लोगों को मार रहे हो तुम। जिंग बोल पड़ती है कि अरे राजा जी ये आपको कोई बना गया है जो और फालतू में ना बातें मत करो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ। रानी जो कि पहले से भड़की हुई है वो कहती है कि अच्छा तो लोग कपड़े उतार कर हमें अपनी बॉडी दिखा कि इसकी बॉडी पर निशान नहीं है, और ये कपड़े उतारता है और अपनी पूरी बॉडी दिखा देता है। बॉडी बिल्कुल सही होती है और बताता है कि किलर को हमने रात को ही पकड़ लिया था। इतने में फेवा यहाँ पर आ जाता है और उस किलर का बयान लेकर आया होता है जो कि रात को पकड़ा गया था, और फिर ये सब यहाँ से चले जाते हैं। लोगों को बहुत पेन हो रहा होता है, जिंग इसको हक करके ठीक करने की कोशिश करती है। जिंग यहाँ पर अलग परेशान हो रहा होता है, प्लान बना रहा था कि जिंग को लोगों से अलग कैसे करवाऊं। तो अगले दिन जिंग की मेड को पकड़ लेता, उसके साथ ये गलत टाइप की बदतमीजी कर देता है और फिर इसको सीड्यूस करने की कोशिश करता है। मेड भी पता नहीं कौन सा भांग पी के आई होती है कि मान जाती है खुश होकर, और हेंग इसके साथ प्यार मोहब्बत कर लेता है और कहता है कि तुम मेरी जान हो, तुम मेरी कहता है कि तुम मेरा काम कर दो। जिंग को फेस्टिवल में लेकर आ जाना आज रात को जो होने वाला लाइट फेस्टिवल, और मेड मान जाती है और रात को जिंग को लेकर लाइट फेस्टिवल में आती है। हेंग यहाँ पर आता है और जिंग को लेकर भाग जाता है किडनैपर कहीं का, अभी थोड़ी देर पहले इसने रेप किया और अभी किडनैप कर रहा है, देख रहे हो। खैर जिंग बेहोश हो गई होती है, ये डरा हुआ है कि अब करूँ तो करूँगा। इतने में फेवाई की एक नकचड़ी सी दोस्त आकर कहती है कि जिंग लोंग से प्यार करती है, अभी उठेगी ना तो उसके पास भाग जाएगी, उसको ना भड़का रही होती है। कहती है कि तुम्हें तो रात अकेली ही बितानी पड़ेगी क्योंकि जिंग और लोंग के बीच ना वो सब कुछ हो चुका है जो कि तुम सोच रहे हो। हाँ वही हेंग का ना खून खोल जाता है सब देख के, सबको बाहर भेज कर ये हराम इसके कपड़े उतारने लग जाता है। जिंग उठ जाती है, कहती है हराम खोर क्या कर रहा था तू, ये जाने लगती है भाग कर, तू इसका जबरदस्ती करने लग जाता है। अब ये लाती है अपनी इमेजिनेशन से एक इंजेक्शन और ठोक के बेहोश कर देती है इसको। इतने में लोंग आ जाता है और इसको यहाँ से लेकर चला जाता है और बिल्कुल भी ना तो इस पर शक कर रहा होता ना ही से सवाल कर रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ। बस ये चीज देखकर हो जाती है वाह मेरा लोंगू कितना प्यारा है, और लोंग काफी गुस्से में होता है। जिंग को सुलाने के बाद बॉडीगार्ड से पता करवाता है कि सब किया किसने था, और मेड बेचारी पकड़ी जाती है क्योंकि गद्दार है ना ये। जिंग भी जान गई होती है, मेड से सवाल करती है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मैंने तुम्हें बहन माना और तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। मेड बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन एक दिन में कैसे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, खैर ड्रामा इतना लॉजिक हम खोजेंगे नहीं। जिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो, जैसे नीच के साथ तुमने क्या कर लिया। मेड कहती है कि वो आपकी शादी तोड़वाना चाहते हैं। जिंग कहती है कि अरे मेरी बहन समझती थी मैं तुम, और तुम मेरी शादी तोड़वाने के लिए सब प्लान बना रही हो गद्दार के साथ मिलकर। और सीन आ जाता है बावर पर, वहीं बावर द बदतमीज गर्ल बेचारी बहुत परेशान हो रही होती है। आज लोगों का दोस्त वैन इसके पास आता है और सूप पिलाता है और कांपने लग जाता है, लड़की पास आई नहीं कि कांपना शुरू हो। अस भाई अस, अब ये ना बावर का पीछा करता है, बावर जहां जा जाती है ये वहां चला जाता है कि तेरे चिकने क्या है पसंद करता है क्या मेरे को, ये घबरा जाता है। और सीन आ जाता है रात को, दोनों फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे होते हैं और रोमांटिक होकर, बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है। और फिर फेवा इसे मिलने जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम दोनों ना रिलेशन में आ गए हैं। फेवा बहुत खुश होता है कि चलो बावर अब मेरा पीछा तो छोड़ ही देगी कम से कम। और बावर वैन प्यार मोहब्बत करने के लिए बहुत तेजी में भागते हैं यहाँ से, जैसे आप तो क्या हो जाएगा। तभी यहाँ पर नांग आ जाता है, वही जिंग का भाई रेड कपड़े वाला, आज पहन के आया होता लूंडा। नांग को ना फेवा की सच्चाई पता चल गई होती है और फेवा भी कहता है कि ज्यादा उड़ो मत, मुझे भी पता है कि तुम क्राउन प्रिंस हो। नांग कहता है कि हाँ, नांग कहता है कि जिंग से शादी तो करना मत और प्यार मोहब्बत करने के बारे में तो सोचना भी मत, मैं उसका भाई हूँ और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम उसका ख्याल नहीं रखते हो अच्छे से। जब तुम्हें पता था कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, मैं यहाँ पे घूमता रहता हूँ खुले में। फेवा कहता है कि मुझे क्या मतलब कोई भी हो तुम, बस मेरी जिंग को हर्ट मत करना वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। यहाँ जिंग ने मेड को ना महल से बाहर भगा दिया होता है, ये ठोकर खाती खाती आ गई होती है हेंग के महल के बाहर और चिल्ला रही होती कि दरवाजा खोल दो मैं प्रेग्नेंट तुम्हारे बच्चे की।
पर ये हरामी डोरी नहीं खोल रहा होता अंदर से। ये बेचारी यहाँ से भूली भटकी पहुंच जाती है फेयू की उसी नकचड़ी दोस्त के पास जो कि अभी हैंग को भड़काने आई थी, ठीक है। तो ये कहती है ना कि तुम तो प्रेग्नेंट हो यार, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, न्यू ईयर भी आने वाला है तो मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी, तुम तो प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हें खाना भी मिलेगा यहाँ पर। यही बातें कर रही होती है इस लड़की की जो मेड होती है ना, कहती है मैडम आप इस प्रेग्नेंट लेडी को रख क्यों रही हो। ये कहती है कि आज मैं जिंग को न्यू ईयर का गिफ्ट दूंगी। और यहाँ पर जिंग सभी के साथ बैठी होती है तभी एक मेड लेकर आती है एक कटी हुई उंगली जो कि उस मेड की होती है और उस लड़की ने भिजवाई होती है। अब यह देखकर जिंग भड़क जाती है और उठकर उस लड़की को पीटने चल देती है। लोगों के दोस्त रोक रहे होते, कहते हैं कि अरे उसे कुछ मत करो, वो ना राजकुमारी है यहाँ की। पर जिंग तो आज की लड़की होती है, खाक फर्क पड़ेगा उसको कोई। जाती है भाई घर में घुस के देखती है, यहाँ पर देखती है कि उस मेड को ना बांध के लटकाया होता, बहुत मारा पीटा होता उस लड़की ने। ये मेड मरते मरते कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, और बस मर जाती है। जिन गुस्से में यहाँ से उस लड़की को मारने पहुंच जाती है। लोंगा अगर उसको रोक लेता है, ये लड़की कहती है कि लोंगू देखो ये मुझे मार रही है, मुझे बुली कर रही है। लोग सब जानता है ये लड़की कैसी बदतमीज है, धक्का देकर इसको चला जाता है और सीन आ जाता है फिर रात को पुल पर। जिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसका मानना है कि मेड और उसके बच्चे की ना मरने की वजह ना ये जिंग है, क्योंकि इसी ने उनको महल से अपने घर से बाहर निकाल दिया था, है ना, नहीं निकालना चाहिए तो जिंदा होती। लोगों का कहना होता है कि नहीं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, उसकी किस्मत ही ऐसी थी, जैसा उसने किया था ना गलत तो वैसा ही उसको सजा भी मिल चुकी है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म होता है, इसके बाद हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट। उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, मिलता है बाय।